तस्वीरें देखे किस तरीके से राजा और डॉक्टर रितु को किस तरीके से पुलिस जो है धक्के मार रही है। तस्वीरें राजा एडवोकेट सीनियर एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों में से एक है उनके साथ पुलिस किस तरीके का बर्ताव कर रही है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाइव जंतर मंतर को। अभी अभी गोली चलवाएंगे, जितने ड्रोन से ले आओ, जितनी गोलियां ले आओ, जितनी रबर बुलेट से ले आओ, हम चुनाव नहीं होने देंगे, प्राइम मिनिस्टर का घेराव करने के लिए जाएंगे। आज प्रधानमंत्री जी से सारे सवाल पूछे जाएंगे, प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे कि मैं चोरी कर रहा हूँ, नहीं बोल पाएंगे ना। क्या बोलेंगे कि मैं 40 सीटें भी नहीं ले पाऊंगा, मैंने जनता को झूठा धोखा दे दिया 400 पार का। तो मोदी जी आके हमसे बात करके बता देना आप लोगों के सामने, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, मैं नूर जो और आप देख रहे हैं जनी तमास। एक बार फिर से लोग सड़कों पर उतर गए हैं ईवीएम को हटाने के लिए और ये फिर से इलेक्शन कमीशन का घेराव करने जा रहे हैं। यहाँ मेरे पीछे आप भीड़ देख पा रहे हो किस तरीके से, यहाँ पे महमूद प्राचा और भानु प्रताप उतर चुके हैं सड़कों पे कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। वहाँ पे आंसू गैस के गोले ड्रोन्स लगा रखे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं जंतर मंतर ही। जितने ड्रोन से ले आओ, जितनी गोलियां ले आओ, जितनी रबर बुलेट से ले आओ, वहाँ पे हमारे बहुत साथी इकट्ठा है और उसके बाद में हम लोग जो है प्राइम मिनिस्टर का घेराव करने के लिए यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो है घेराव ये लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद में परमिशन हमारी कैंसिल कर दी गई, लेकिन धारा 144 का इस्तेमाल संविधान का ऊपर नहीं कर सकती, संविधान को खत्म करने के लिए नहीं कर सकती। तो यही तो सवाल है सर, 144 अगर लगी हुई है फिर भी आप अरे सड़क पे चलो और है ना सर। यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये लोग जो है इलेक्शन कमीशन का घेराव करने जा रहे हैं, लेकिन 144 धारा के कारण इनको परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन उसके बाद भी इनको इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। इकट्ठा नहीं होता, पुलिस की बैरिकेडिंग पहले ही हो रही है। जंतर मंतर के बाद हम प्राइम मिनिस्टर हाउस जाए, प्राइम मिनिस्टर का घेराव करने के लिए जाएंगे। हम लोग अभी जंतर मंतर पे जा रहे हैं, लेकिन धारा 144 लगी हुई है। नहीं, धारा 144 संविधान से ऊपर थोड़ी हो सकती है, संविधान ऊपर है। पुलिस धारा 144 का इस्तेमाल करके संविधान को खत्म करने का प्रयास जो करेगी वो गलत है, वो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। ईवीएम को लेकर के अभी चुनाव की आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। नहीं, चुनाव की आचार संहिता का मतलब ये नहीं कि संविधान से ऊपर हो जाएगा सब कुछ। लोगों को अपनी बात कहने का, अपना हक इस्तेमाल करने का अधिकार है और रहेगा। संविधान ऊपर है, संविधान के ऊपर धारा 144 आपको उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप धारा 144 है, लेकिन आप कारण बताएंगे किस बात के लिए लगा रहे धारा 144। दिल्ली में क्या हो रहा है जिस बात के लिए लगाई जा रही है? केवल और केवल प्रदर्शनों को रोकने के लिए, लोगों का गला घोटने के लिए, उनके संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है उनको छीनने के लिए धारा 144 लगाई जा रही है। हम लोग किसी हालत में भी ये चीजें बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। डिटेन किया जाता है अगर आपको? नहीं, डिटेन किया जाता है तो पुलिस का काम है जो करे, हम हर चीज के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग अपनी बात अपनी आवाज उठाने के लिए कभी भी रुकेंगे नहीं। किसी भी हालत में हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे जब तक ईवीएम को उखाड़ के नहीं फेंक देंगे हम पूरी तरह से। क्या ईवीएम नहीं अगर हटा तो बहिष्कार करेंगे चुनाव? निश्चित रूप से चुनाव नहीं होने देंगे हम लोग, बहिष्कार नहीं करेंगे हम, चुनाव नहीं होने देंगे। बात सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सीधे तौर पर देखा जा सकता है, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो इलेक्शन कमीशन का जो है घेराव करेंगे ही, चाहे 144 धारा लगा दी। सर क्या कहेंगे आप लोगों को, डिटेन कर लिया जाएगा अभी? देखिए, धारा 144 सिर्फ लोकतंत्र का गला घोटने के लिए लगाई जा रही है। अगर देश के अंदर कानून व्यवस्था को बहाल रखना है, ईवीएम हटानी पड़ेगी, अगर नहीं तो इस प्रकार की जो व्यवस्था यहाँ पर बनी है, ये व्यवस्था जो है ना सिर्फ लोकतंत्र के गला घोटने के लिए और कमजोर लोगों के हितों को साधने के लिए। लेकिन चुनाव होने से पहले आप लोग ऐसे प्रदर्शन नहीं कर सकते, सड़कों पर नहीं उतर सकते। देखिए, जो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए सबसे जरूरी है बेल्ट पेपर से चुनाव हो और हटाई जाए। लेकिन जब आप सड़कों पर उतरते हैं आप लोगों को पहले डिटेन कर लिया जाए तो कैसे हटेगा ईवीएम? बहुत ही कम समय रह गया है। डिटेन कर लेंगे तो तुम भी जनता जागरूक होगी और जनता की जागरूकता से ही लोगों को ये संविधान जो है ना इसको सुरक्षित रखने के लिए लोगों को। हाँ बिल्कुल होगा, सड़कों पर उतरने से ही होगा, बिना इसके नहीं होगा। जब जब आप सड़कों पर उतरते हैं आपको पहले डिटेन कर लिया जाता है? वो कोई बात नहीं है, डिटेन कर लिया जाता है। हमें अपना काम करना है, लड़ना है, संघर्ष करना है।
डिटेन करना है, पुलिस का काम है, जबकि ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक गैर कानूनी काम है जो पुलिस कर रही है। लेकिन हम इस बात से कभी डरेंगे नहीं, कभी रुकेंगे नहीं। बात वही कही जा रही है, तो वही चीज है ना, यहाँ पे देखा जा रहा है कि हम लोग डरेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। सीधे तौर पर ये लोग ये कह रहे हैं और जो है इलेक्शन कमीशन का जो है घेराव करके रहेंगे। सर बहुत ही कम समय रह गया लोकसभा चुनाव का, आप कैसे? कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकसभा चुनाव 6 महीने टाले भी जा सकते हैं, ये संविधान में प्रावधान है। तो वक्त की कोई कमी नहीं है, वक्त कम नहीं है, जो कमी है वो सरकार की नियत की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियत के सवाल। लेकिन अभी तक आप चुनाव आयोग को नहीं मना पाए कि जो हमें चुनाव आयोग को मनाना थोड़ी ना, हमें चुनाव आयोग को बताना है कि तुम जो कर रहे हो गैर संवैधानिक कर रहे हो, हम ये होने नहीं देंगे। हमें बताना नहीं है उसे, मनाना नहीं है उसे कोई। तो सीधे तौर पर यहाँ पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये लोग निकल चुके हैं इलेक्शन कमीशन के घेराव के लिए, और यहाँ पे जो पुलिस जो है पहले से ही तैनात हो चुकी है, जो बैरिगेटिंग है पहले से ही हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं हम लोग जो है इलेक्शन कमीशन में घेराव करके रहेंगे और इलेक्शन कमीशन को बता के रहेंगे कि जो ईवीएम से चुनाव होते हैं उसमें धांधलेबाजी की जाती है। और किस तरीके से यहाँ पे आप लोग देखिए, महमूद प्राचा, भानु प्रताप, डॉक्टर सिंह और आशुतोष सब लोग यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं। सवाल पूछेंगे कि बताओ क्यों तुम पेपर बैलेट से डरते हो। आज प्रधानमंत्री जी से सारे सवाल पूछे जाएंगे और प्रधानमंत्री कोई जवाब दे नहीं पाएंगे, हमें ये पता है। देखिए प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे कि मैं चोरी कर रहा हूँ, नहीं बोल पाएंगे ना। क्या बोलेंगे कि मैं 40 सीटें भी नहीं ले पाऊंगा, मैंने जनता को झूठा धोखा दे दिया 400 पार का, तो ये नहीं बोल पाएंगे ना। इसीलिए हम आज प्रधानमंत्री के साथ सामने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को आज पूरी तरीके से बेनकाब करेंगे। हम कर रहे हैं ना, तो मोदी जी आके हमसे बात करके बता देना आप लोगों के सामने, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम कर रहे हैं गुमराह या मोदी जी कर रहे हैं गुमराह, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आ जाए हमारे सामने, हम तो जा रहे हैं ना उनके पास, वही रोकेंगे। कौन बचता है? आंदोलन करेगा, संघर्ष करेगा और ईवीएम हटेगी। और मैं पहले कह चुका हूँ 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। तो बिना आंदोलन के क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंदोलन से ही होगा, बिना आंदोलन का मतलब नहीं, आंदोलन से ही होगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है फिलहाल? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें पिटीशन पड़ी हुई है, उन पिटीशन पर जो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट का होगा होगा, उसके हिसाब से होगा। लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग आएंगे कल, हम लोग मीडिया को बुलाएंगे, मीडिया से बात करके हम सारी चीजें डिसाइड करेंगे, अगला कार्यक्रम कैसा होगा, क्या होगा, कहाँ होगा, हम आप सब लोगों को बताएंगे, उसके बाद अपना काम करेंगे। हमें नहीं पता कहाँ जाएगा, हम लोग आंदोलन करेंगे, लगातार आंदोलन करेंगे। लगातार आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ईवीएम एक धोखा हो कह के यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ईवीएम एक धोखा है। और यहाँ पे जो है महमूद प्राचा, भानु प्रताप सिंह सब लोग यहाँ पे उतर चुके हैं, जो है इलेक्शन कमीशन घेराव करने और सीधे तौर पर बताने जा रहे हैं कि जो ईवीएम एक धोखा है और उससे चुनाव होते हैं वो धांधलेबाजी की जा सकती है, और उसी से चुनाव होने के कारण ही जो भाजपा सरकार है सत्ता पर आती है और अपनी जगह बना देती है। बाकी जो पूरी बातचीत है, पूरा प्रदर्शन जो है, हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि इलेक्शन कमीशन घेराव करने जा पाते हैं कि नहीं। बाकी इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।